अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रेज एंड क्लॉज? आई विल डिस्कस फ्रेज एंड क्लॉज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रेज? अ फ्रेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। What is phrase? A phrase is a collection of words which give incomplete meaning or sense of a sentence. Phrase एक collection of words है जो कि किसी भी sentence की incomplete meaning या sense देता है। क्या देता है? किसी भी sentence में incomplete meaning या sense देता है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो कि जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रीडिकेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने पूरे पूरे सेंटेंस लिखे हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सन राइजेज, इसको छोड़ के इन द ईस्ट, ये जो वर्ड है इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये है सेट ऑफ वर्ड्स। ये क्या होंगे? फ्रेज होंगे। मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। अगर मैं बात करूं तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रीडिकेट भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, इन द ईस्ट, ये क्या होगा? फ्रेज होगा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। शो मी हाउ टू डू इट। अब यहाँ पे सेट ऑफ वर्ड्स आया है हाउ टू डू इट। ठीक है, कि मतलब किस चीज़ को किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास मैंने लगाए हैं ये देखने के लिए कि ये क्या है। सेंटेंस को हाईलाइटिंग किया मैंने। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हाईलाइट मैंने किया, हाउ टू डू इट, ये क्या है? ये फ्रेज है। अच्छा, नेक्स्ट फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा है और फ्रेजेस को इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ही सेड टू मी सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए और ये भी क्या है? ये फ्रेज है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स हैं कुछ। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, सेट ऑन द वॉल, जो ऑन द वॉल है ये क्या होगा? ये फ्रेज होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं है सेंटेंस की। नेक्स्ट फिर एग्जांपल है, देयर वाज अ गेट एट माय डोर, एट माय डोर, ठीक है, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं है सेंटेंस की। ठीक है, अच्छा, हाउ टू डू स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पे इन द पूल जो है ये क्या होगा? ये फ्रेज है हमारे पास। ठीक है, बाकी सेंटेंस नहीं, जस्ट इन द पूल जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जस्ट वही ही फ्रेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज की। ठीक है, व्हाट इज़ क्लॉज? अ क्लॉज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड है, सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है किसी भी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं ये सब्जेक्ट भी है इसमें और प्रीडिकेट भी है। अच्छा, आपको ये मैं बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी किसी भी पर्सन के नेम के बारे में या थिंग्स के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। जबकि जो प्रीडिकेट होता है, अ पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ हमें बताता है, तो वो क्या होता है? प्रीडिकेट। ठीक है, अच्छा, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में। वी कॉन्ट वॉक, वी कॉन्ट वॉक वाइल इट इज़ रनिंग। ठीक है, वाइल इट इज़ रेनिंग, रेनिंग, सॉरी, यहाँ पे रेनिंग आना था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, ये पूरी सेंस दे रहा है सेंटेंस की। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्लॉज होगा। ठीक है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ठीक है, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्लॉज, इसमें सेंटेंस के बारे में एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, हमें वाजे एक चीज़ कंप्रीहेंड कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है एक चीज़। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक हम और डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज की। क्लॉज की जो जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की हेल्प से इसको डिफाइन करेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है, यानी जिसमें सेट ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रीडिकेट भी होगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा क्लॉज. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड प्रेस बेल आइकन.